बेटी कहती बाँ पसार, हमें चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है अभिभावक समाज। और इसी क्रम में मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आयुष मंत्री आयुष मंत्री ममता वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। ममता वर्मा जी, धन्यवाद। आज इस प्रबुद्ध मानव कल्याण समिति के द्वारा यह आयोजन रखा गया है, इसमें उपस्थित हमारे कमिशा सिंह अंतेश जी, बाबा जी, हमारी नारी शक्ति ममता बहन और हमारा सबसे महान पुरुषों की एक श्रृंखला में विराजमान महात्मा गो बाबा साहब को नमन करते हुए हम लोग ये सभा का संचालन अभी तक सुन रहे थे और कर रहे थे। ये कार्यक्रम सबका है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहाँ बेटियाँ पढ़ी लिखी होंगी वो समाज उत्तरोत्तर उन्नति को करेगा। उसका पहला प्रमाण आज मैं बैठे बैठे देख रही थी कि छात्राएं बहुत देर से बैठी हैं और इस बैठने में शायद ये लोग घर में इतनी देर तक बैठती हों, लेकिन आप सबने बैठकर धैर्यता का जो परिचय दिया है ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप मेहरबान बनेगी तो आपको सब कुछ मिल सकता है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूंगी क्योंकि हमसे पहले इस सभा में बहुत से उद्बोधन करता आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता चुके हैं। इस विषय से संबंधित जो मेधावी छात्राएं हैं इनसे बात करनी हमारी पहली प्राथमिकता थी और करूँगी, क्योंकि बेटियाँ ही एक ऐसी सीढ़ी है कि जो एक नहीं दो दो उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। हम देश की हैं नारियाँ, जलती हुई चिंगारियाँ देश को बनाएंगे अपनी ही निशानियाँ। हमारी निशानी हमसे अब दीपो भाव, जो हमारे बुद्ध भगवान का नारा था कि अपना दीपक आप बनो, आपको अपना दीपक बनना पड़ेगा। और इस दीपक को बनने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है हमारी मातृशक्ति रहती है, और मातृशक्ति कहाँ से आती है ये सबको मालूम है। अगर हमारी मातृशक्ति सुदृढ़ है तो हमारी बेटियां उससे आगे बढ़ के अपना नाम रोशन करेंगी, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगी। तो हमारा अभिभावक जो आपके संरक्षक, हम सबके संरक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भी यहीं के बेटी हैं और मैं देख रही थी कि सब हमारे पिताजी के साथ के हैं, कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ हमारे भाई बहन हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, तो मैं अभिभावकों से एक ही गुजारिश करूंगी कि बेटियों की एक अंता व्यथा रहती है, उस व्यथा को समझ के ये बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं है। बेटी कहती बाँ पसार, हमें चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है अभिभावक समाज। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर
तक हम पर लटकती है तलवार। सोचो अरे सोचो, क्या बेटी बिन बसा सकोगे घर संसार। अब तो इनकी विरह वेदना का है सिर्फ एक उपचार, सबको जीवन सबको शिक्षा सबको प्यार। और ज्यादा ना बोलते थे मैं अपनी छात्राओं से बातों से गुरुजनों से यही गुजारिश करूंगी, ये भावी भविष्य है और इनके भविष्य के बनाने में आप एक भी कदम पीछे नहीं बताएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे और इनके पढ़ाने में जो भी आपको सहयोग करें इनको हतोत्साहित मत करिए। इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है और आगे बढ़ने के लिए कभी भी उम्र और व्यवस्थाएं पीछे नहीं रहती हैं। आप उम्र की को छोड़ दीजिए, आज पहले का समाज था छोटी उम्र में शादी कर जाती थी क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको समाज में रहना होता था। धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमको इस सभा में बुलाया। मैं